तो यहाँ पे चल रही है डिस्कस, और डिस्कस क्या चल रही है कि बाबू को शक हो रहा है कि मेरे बाल किसी ने काट। श्री राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? तो ईश्वर की कृपा से सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होनी चाहिए। तो यह है सुबह सुबह का टाइम और काम यहाँ से शुरू होता है, स्टार्ट होता है पूरे दिन भर का। तो जो अभी सुबह बिस्तरे ये सब फैले हुए हैं ना, इनको मैं कर देती हूँ तई और फिर बाकी के काम बाद में करूँगी। सबसे पहले उठ के पानी पिया, चाय पिया और अभी ये बिस्तरे में बिठाने लगी हूँ। कोई भी नहीं करेगा इस काम को ये देखिए, तो ठीक ठाक मैं कर देती हूँ। और इससे पहले मैंने बहुत सारे काम किए, जैसे कपड़े डालना ये सब वगैरह वगैरह। अभी आ गई हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ पर भी है मेरे लिए तई करने के लिए दो कंबल, तो इनको भी मैं तई कर देती हूँ, रख देती हूँ ढंग से। और जब तक बिस्तरे सारे फैले होते हैं ना घर के, तो उससे पहले कुछ काम नहीं होता, जब तक घर डिसिप्लिन ना हो थोड़ा सा। वैसे भी सर्दियों का सीज़न है तो घर फैला फैला होता ही है, लेकिन अच्छे से डिसिप्लिन कर दो पहले, जो भी चीज़ें जहाँ हैं वहाँ रख दो और जहाँ चीज़ों की जगह होती है। तो ये देखिए अब बढ़िया लग रहा है ना, और फैला फैला घर। और इससे पहले मैं कुछ और काम कर दूँ तो अच्छा नहीं लगता और शांति भी नहीं मिलती। तो अब बढ़िया हो गया है, अब लगाऊंगी मैं अच्छे से झाड़ू पोछा और फिर उसके बाद नाश्ता बनाएंगे। तो यहाँ पर ये गिर गया था, ऊपर मैं टांग रही थी उसको, गिर गया। अभी आ गई हूँ मैं किचन में, तो ध्यानी जी का कहना है कि अपना काम बाद में करना, पहले नाश्ता बनाओ फटाफट से। तो आज मैं बना रही हूँ क्या बोलते हैं, चून की रोटी, मंडुए के आटे की रोटी। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पहले मिला दिया है गेहूं का आटा, और इसमें अब मैं मिला दूंगी ये मंडुए का आटा, थोड़ा सा ही मिलाना है। और इसको मैं अच्छे से मिला लूंगी पहले, नहीं तो कहीं पे ज़्यादा आटा गेहूं का और ज़्यादा आटा वो हो जाएगा मंडुए का। तो बस आटा भी यहाँ पर गुन चुका है बढ़िया से, इसको रख देती हूँ मैं 5-7 मिनट के लिए, अच्छे से आटा वो हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले चटनी की तैयारी कर लेती हूँ, और मंडुए के आटे के साथ ना चटनी बहुत अच्छी लगती है, धनिया पुदीना हरी मिर्च और टमाटर की चटनी। और इनको मैं धो देती हूँ अच्छे से, और टमाटर को अभी पकाने डालूंगी। जब मैं टमाटर की चटनी बनाती हूँ ना, तो इस तरीके से गैस में उनको अच्छे से भून लेती हूँ, ये खुले में, ये देखिए। तो तीनों टमाटर पक चुके हैं अच्छे से, और इनको थोड़ा थोड़ा मैंने चाकू से फोड़ लिया ताकि अंदर तक पक जाए, कच्चापन न रहे, नहीं तो खट्टे खट्टे से हो जाते हैं। ये काला काला है ना, जो इनको मैं निकाल लूंगी। और अभी मैं पीस लेती हूँ चटनी, ये ढेर सारा मैंने, ये देखिए लहसुन भी छिला हुआ है यहाँ पे, और धनिया मैंने काट के अच्छे से बारीक से धो के डाल दिया है उसमें। ये सब डाल दूंगी मैं और पीस लूंगी इसको अच्छे से बढ़िया से चॉपर में, ये देखिए। और चाय बनाऊंगी इसके साथ, घी चटनी रोटी इतनी टेस्टी होती है ना, हमारे उत्तराखंड की फेवरेट डिश है ये सब लोगों की, खासकर बुजुर्गों की तो बस इस तरीके से खाते हैं हम सर्दियों में, अच्छा लगता है। चटनी पीस चुकी है, इसको मैं एक कटोरी में निकाल लूंगी, कांच की कटोरी में निकालूंगी मैं इसको, ये देखिए चटनी बन चुकी है टेस्टी वाली। और अभी बनाते हैं रोटी, तो तवा धो धा के मैंने रख दिया है। और इसकी जो रोटियां बनती है ना मंडुए के आटे की, वो मोटी बनती है, ये देखिए पतली रोटी इसकी खाई ही नहीं जाती, मोटी मोटी रोटियां मेरे दादाजी को बहुत अच्छी लगती थी, कड़कड़ी रोटी और इसमें ढेर सारा घी और चटनी और चाय दोपहर के टाइम पे, तो बहुत अच्छी लगती है। और ये तो बहुत लाभदायक है हमारे लिए। तो इस तरीके से मीडियम साइज में मैंने गैस कर लिया है, और ये देखिए पलटाते जाएंगे, आगे की रोटियां बनाते जाएंगे। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगती है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो प्लीज़, मेरी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। तो ये देखिए मैंने पलट लिया है, और अभी बस, और चूल्हे में ना बहुत स्वाद बनती है ये रोटियाँ, और अच्छे से पहले मैं ऊपर गैस में ही पका लेती हूँ। तो एक मैंने निकाल लिया है और ये दूसरा है, वीडियो की कटिंग की हुई है मैंने यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, तो अच्छी अच्छी क्लिप दिखाऊं मैं आप लोगों को, इसलिए मैं एडिटिंग ध्यान से करती हूँ, पता नहीं हो पाती है या नहीं हो पाती है। अभी हम कहीं जा रहे हैं, दोनों बच्चे क्लास ले रहे हैं, और आ रही हूँ।
हस्बैंड जी ऑफिस के लिए तैयार हो गए हैं, उनको वहीं से ऑफिस निकलना है और मैंने ले लिया है अपना मास्क, बस ऐसे ही जा रही हूँ। ऊपर से शॉल ले लिया है, कपड़े उपड़े चेंज कुछ नहीं किए हैं। तो चलिए बाबू यहाँ पे दरवाजा बंद कर दो, आ जाओ और चलते दादी से बोलेंगे अभी नहीं आए हो, आज धूप निकली है बहुत अच्छी, चलिए फटाफट निकलते हैं फिर पार्क में बैठने जाऊंगी। देखिए ध्यानी जी अपना लैपटॉप का बैग भी लेके और वहीं से ऑफिस निकल जाएंगे। यहाँ पे नंदी महाराज, जय हो नंदी महाराज। सुबह सुबह ना गाड़ियों की आवाजाही बहुत ज़्यादा होती है ऑफिस टाइम में इस समय, और सुबह की वजह 10:30 ऑफिस टाइम होता है इस समय, तो भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, एक सुबह के टाइम एक शाम के टाइम। हाय एवरीवन, तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर और बाबू कर रही है घर को डिसिप्लिन, थोड़ा सा मेरी हेल्प कर देती है। और काना ने ना मंडवे की रोटी नहीं खाई थी तो उसके लिए बन रही है गेहूं के आटे की रोटी, और काना बहुत ज्यादा वैसा बच्चा हो गया है। क्या चाहिए आपको? रोटी चाहिए? तो अभी मुझे आटा गूंदना पड़ा गेहूं का, और वही, और टाइम पे वो खाता नहीं है, जब हम खाते हैं तो बोलता है मम्मी मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा लेट उठते हैं ना, तो इसलिए वो दूध दूध पी लेते हैं। और फिर और अभी मुझे धुले हुए कपड़े हैं जो सुबह के, वो भी सुखाने डालने हैं, और जो पूजा का आसन है वो भी डालना है। अभी मिलती हूँ मैं आप लोगों से। ये दोपहर का टाइम है और यहाँ पर ना मैंने अपना पूजा का आसन धोया था और ये गंदा हो गया था, तो इसको मैं अलग ही धोती हूँ, किसी सोफा कवर या बेड शीट के साथ धोना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना सर्दियों में कि हर तीसरे दिन दूसरे दिन कपड़े धोने के लिए हो जाते हैं, वो भी ढेर सारे, तो इसमें सर्फ मैंने डाल दिया है, इसको अच्छे से घोल दूंगी मैं, फिर घुल जाएगा और कपड़े डाल दूंगी, फिर बढ़िया रहेगा। वैसे गरम कपड़ों को हाथ से धोना चाहिए, और कपड़े डाल देते हैं इसमें जितने आएंगे, और ये मशीन बंद हो जा रही है चलाते चलाते पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे चल रही है डिस्कस, और डिस्कस क्या चल रही है कि बाबू को शक हो रहा है कि मेरे बाल किसी ने काट, कैंची तो गई थी कल बेडरूम में। काना का कोई पता नहीं है, मैं उसको प्यार से भी पूछ रही कि बाबू आपने दीदी के बाल काटे? कह रहा नहीं मम्मी। और जब काना कुछ करता है ना तो वो बिल्कुल सच सच बताता है, लेकिन पता क्या होता है, मैंने इसकी ना मैंने करी ना आपकी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नया नया फ्रेश काटे हैं। अरे क्या होता है ना, जो
बाल कमजोर होते हैं ना, वो अपने आप छूटता है जब लोग गंजे हो जाते हैं, जैसे कि दीदी हो जाएगी गंजी। चलिए दोस्तों, खाना बन चुका है, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से कल एक और अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।